अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर शॉपिंग हॉल। और इस चैनल पे तो मैं काफ़ी अरसे के बाद जो है वीडियो डाल रही हूँ, इसको तो मैं भूल ही जाती हूँ कि आप लोग शेयर भी नहीं करते। हालांकि आप लोग मुझे कहते हैं कि आप मेकअप ट्यूटोरियल सिखाएं हमें और रानी बाजी पे मेकअप करके दिखाएं और हेयर स्टाइल सिखाएं, लेकिन इरा को देख सकते हैं कि वो खेल रही है तो सुन सकते हैं तो मतलब, लेकिन आप लोग वीडियोस को शेयर ही नहीं करते, फिर मेरा दिल ही नहीं करता, मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिलती। लेकिन मुझे अभी अभी ये कमेंट आया था, मैंने व्लॉग अपना अपलोड किया था ना कल, तो उसमें जी कमेंट आया था कि आप कोई शॉपिंग हॉल जो है वो रिव्यूज़ बाय आसमा सी वाले चैनल पे जो है वो शेयर करें, तो ये रहा वो कमेंट। तो मैंने कहा क्यों ना मैं चेज़ वैल्यू गई थी तो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँ कि मैं वहाँ से क्या क्या चीज़ें लाई हूँ। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो हैं इरहा की, क्योंकि हम लोग करने इरहा की शॉपिंग गए थे बेसिकली, कि मतलब उसके कपड़े जो है ना गर्मियों के नहीं थे और मेरा था कि लूँ और बाज़ार से लूँ, कहाँ से लूँ। मैंने कहा चलो चेज़ वैल्यू से लेते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है वहाँ, एक ही छत के नीचे से मतलब आपको डिफरेंट प्राइस रेंज में ना कपड़े मिल जाते, क्योंकि मुझे घर के लिए ही चाहिए थे और बाहर के लिए मैंने कहा अगर मुझे कुछ मिला तो ले लूँगी। तो ये सारी शॉपिंग है जो कि हमने की है और क्या कहना था मैंने, हाँ, और थैंक यू सो मच जो मेरी सब्सक्राइबर मुझे जो है वो मिली वहाँ चेज़ वैल्यू में मिली, तो बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आप मुझे आके मिली, आपने मुझे इतने प्यार से जो है मेरे से बात की, आप लोग हैं तो मैं हूँ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, आपके बच्चों की लंबी ज़िंदगी करे, आमीन सुमा आमीन। तो थैंक यू सो मच। तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, मैं बड़ी हैरान हुई। और ये मैंने व्लॉग जो है वो भी शेयर किया अपने दूसरे चैनल पर कि हम लोग चेज़ वैल्यू गए और वहाँ क्या क्या चीज़ें थी, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर वो व्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा तो उस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चले अब जल्दी से जो है वो हम वीडियो को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक शॉपर जो है वो मैं खोल चुकी हूँ, वो मैं व्लॉग में रीज़न बता दी थी मैंने क्यों खोला है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जी मैं कट भी आपके सामने कर रही हूँ ताकि मैं, क्योंकि मैंने वहाँ तो ले ली थी लेकिन मेरा था कि इनको ना खोलूँगी आप लोगों के सामने। तो एक सबसे पहले जी मैंने लिए है ये बास्केट, टोकरी फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए। हालांकि मैंने हसीब को कहा कि मुझे यहाँ से ना लेके दें, यहाँ से ये एक मिली और काफ़ी महंगी, मेरे ख्याल से ही काफ़ी महंगी है। मुझे ना अपना सेल से जो 150 वाली सेल जो होती है वहाँ से लेते हैं, वहाँ से 3 टोकरियाँ मिलती हैं, मतलब एक बड़ी फिर छोटी फिर छोटी, वो ले दें। लेकिन हसीब ने कहा नहीं, मैं नहीं रुकूँगा, जो चीज़ लेनी है यहाँ से लो। तो ये 170 की जो है वो पड़ी है मुझे, मैं आप लोगों के साथ में प्राइजेस भी दिखाती जाऊंगी ताकि जो लोग लेना चाहें और जिनके शहर में चेज़ वैल्यू है वो लोग ले सकते हैं जाके, या आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो एक ये बास्केट है फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए, क्योंकि फ्रिज में मेरे पास ना वो थी नहीं, बास्केट थी नहीं, तो फिर प्लेट्स में रखने पड़ते थे मुझे, तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता था। ये हो गया। उसके बाद जी हम ये वाला शॉपर जो है ये ओपन करते हैं। तो इसमें जो है आपको ज़्यादातर जो है वो इरहा की चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले जी इरहा की ये है शॉर्ट्स, ये इरहा की मैंने ली है जीन्स वाली शॉर्ट्स, ठीक है। मेरा था गर्मियों में ये लाजमी जो है ना होनी चाहिए, रुके मैं आप लोगों को इरहा दिखाती हूँ। इरहा इरहा तो ये इरहा है, ठीक है। और ये है जी इरहा की शॉर्ट्स। अच्छा, बच्चों की जब भी शॉर्ट्स लेने लगे ना तो ये लाजमी देख लिया करें कि अंदर ये है ये इलास्टिक और ये इस तरह बटन लगा हुआ, इससे ये होता है कि आप जितनी चाहे ना मर्जी जो है वो, अगर खुदा ना खासा आपने खुली वेस्ट वाली ले लिया तो आप टाइट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये इरहा की एक ली है शॉर्ट्स जीन्स की, ठीक हो गया। उसके बाद जी इसमें एक मैंने ब्लू ली है और एक मैंने ब्लैक लिया, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सल कलर हैं पैंट में, तो फिर मैंने एक ब्लैक ले ली और सेम वही आपने अंदर देख लेना, इस तरह की टाइट करने के लिए लगा हुआ इलास्टिक के नहीं, ठीक हो गया। और ये मुझे मिली है 600 की एक है, ये भी 600 की एक है, वो भी 600 की एक है, ठीक है। ये हो गया ब्लैक जीन्स के लिए है, गर्मियों में बड़ी प्यारी लगती हैं बच्चियों को, और यही उम्र होती है बच्चियों की पहनने की, बड़े होकर कौन पहनता है, ठीक हो गया। उसके बाद जी इरहा के मैंने लिए हैं ये शूज़, और ये आप लोग शूज़ देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हैं, ठीक है। ये इस तरह की इसका जो है क्लियर सोल है और ये मैंने लिए हैं बड़े मॉडर्न से, इस तरह के ना ये मुझे कितने के मिले हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे 1300 के मिले हैं, जबकि अगर मैं यहाँ बेबी शॉप से लेने जाती हूँ मुझे 2000 के लास्ट भी मिलते। और ये लिए इसमें एक पिंक कलर भी था, लेकिन हसीब ने कहा ये वाला कलर लो, इसमें ब्लू भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, ब्लैक भी आ, तो ये हर सूट के साथ जो है वो इसका चल जाएगा। तो एक ये जी इरहा के लिए हैं सैंडल्स, ठीक हो गया, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसमें हर साइज अवेलेबल, अगर आप लोग चाहें तो जाके ले सकते हैं। और अगर कोई इरहा की एज का है तो मैं आपको साइज़ देख के बता देती हूँ,
2025 लिखा हुआ इधर, तो अगर आप लोग लेना चाहें ऑनलाइन मंगवाना चाहें मतलब 20 है, ठीक हो गया। उसके बाद जी इसमें क्या है, इसमें है जी इरहा का ये एक क्लोन, ये मैंने इसके जो है वो दो क्लोन लिए थे और एक ये रहा, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी मैं शॉवर जेल लेके आई हूँ, मिचीकू आई थिंक सो इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, 3-in-1 है, शैम्पू कंडीशनर और बॉडी वॉश, बहुत अच्छा है ये, तो मैं ये लेके आई हूँ। उसके बाद जी अपना मैं लेके आई हूँ ये पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी फेशियल फॉर्म, ठीक हो गया। अब ये जो है ये इससे खेलेगी, सही है, तो वो खड़ी यहाँ मुझसे मांग रही थी कि मुझे कोई चीज दें। उसके बाद एक ये पाउडर लिया है जॉनसन्स का बेबी पाउडर, मुझे इसका गो रैश पाउडर भी ना वहीं से चाहिए था, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ मैं 2-3 महीनों की ना कर आती हूँ, मतलब दो पाउडर ले लिए, दो क्लोन ले लिए, ताकि फिर मुझे ना बार बार जाना ना पड़े, लेकिन उनके पास गो रैश पाउडर जो है वो था नहीं, तो फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि वहाँ से ना चीज़ें ये जो है 20-30 रुपये सस्ती मिल जाती हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जी क्लोन मैंने दो ही ले लिए थे, क्योंकि रोज़ रोज़ मेरा चक्कर लगता नहीं है और मैं इसको क्लोन लगाऊं तो मुझे जो है सुकून नहीं मिलता, ठीक हो गया। उसके बाद जी इसके ये हैं जी टी शर्ट, ज़्यादातर मैंने इसकी जो ली है ना वो टी शर्ट्स ही ली हैं, ये है जी टी शर्ट इसकी शेक थिंग्स अप, सही है, थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी ली हैं कि माशाल्लाह आगे इसने बड़े होना, और सर्दियां अब पाकिस्तान में तो दिसंबर में जाके आती हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सबसे प्यारा जो मुझे लगा है ना वो लगा है जी ये रोम्पर, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इस तरह का रोम्पर है इसका, मतलब इस तरह की पीछे जो है इसकी सारी, ये जंप सूट कह लें इसको, सारी जिप है, और ये हाँ इसमें मुझे पैम्पर लगाने में बड़ा इशू होगा, और लेकिन लग बहुत प्यारा रहा था और हसीब ने कहा कि ये तो लाजमी लेना, तो ये लिया है। उसके बाद एक और टी शर्ट ली है, ठीक है, ये घर में पहनाने वाले कपड़े हैं इसके, और एक और ब्लू कलर की टी शर्ट ली है, लाइफ गर्ल्स हैव मोर फन, ठीक है, ये हो गया। और ये वाला जो शॉपर है खाली हो गया, अब मैं आपको दिखाती हूँ इस वाले शॉपर में, इसमें भी इसके कपड़े हैं, सही है, तो ये वाला फ्रॉक लिया इसका घर में पहनाने वाला, ठीक है, ये हो गया। ये है जी कितने का आया, ये 200 का है, सही है, घर में पहनाना था, और एक ये लिया है सेम 200 का ही, ये भी है, ठीक है। उसके बाद मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो भूल के सही लेकिन साथ में हैंगर दे देते हैं, और एक ये वाला जो फ्रॉक है ये लिया, तो जी एक ये वाला जो है फ्रॉक लिया, इसका ये वाला नहीं था लेकिन हसीब को अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो मैं खुद बाजार से लेके जो है वो ले लूँ लगा लूँगी, ये भी जो है वो 150 का है घर में पहनने के लिए, सही हो गया। उसके बाद एक जी इसके लिए है ये शलवार कमीज, ये इसकी कमीज है, ठीक है, और ये है जी इसके साथ का ट्राउज़र, हसीब को बहुत अच्छे लग रहे थे इस तरह, तो हसीब ने कहा नहीं ये तो लेने ही लेने, और ये थोड़ा सा जो है वो बड़ा है, लेकिन हसीब ने कहा कि आगे खैर से इसने बड़े ही होना है तो ले लेते हैं, कुछ नहीं होता। और ये भी इस तरह का फ्रॉक टाइप ही है, ये भी कितने का है, ये भी 150 का, ठीक हो गया। उसके बाद जी एक मैंने लिया है ये है इसका बाहर आने जाने के लिए, मैं इसको पहनाऊंगी, जब पहनाऊंगी तब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, ये ऊपर वाली टॉप है और ये है इसकी बाजू, मतलब ऑफ शोल्डर जो होती है ना टॉप, ये वो है इस तरह, ठीक है, ये ऑफ शोल्डर जो है वो टॉप है इसकी, और इसके नीचे जो है ना पूरी वो है ये, ठीक है, ये पहना के ऊपर वो पहनाएंगे, सही। उसके बाद एक और मैंने ली है, इसकी स्लीवलेस ली थी, ये बॉयज़ सेक्शन से मैंने ली थी, मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक ये है, आपको माशाल्लाह इरहा के ही कपड़े जो है वो देखने को मिलेंगे, एक ये शर्ट है और ये रहा इसके साथ का ट्राउज़र। फिर एक दो मैंने लिए हैं जी ये किचन के लिए, किचन डस्टर टॉवल जो होते हैं वो,
मतलब आप इसे हाथ भी साफ कर सकते हो, शेल्फ वगैरह भी अपनी जो है वो साफ कर सकते हो और वॉशेबल है। और ये एक मुझे पड़ा है जी वो 65 रुपीज का। फिर मैंने ना इसमें ब्लू भी था, लाइट ब्लू भी था, पिंक भी था, लेकिन फिर मैंने ब्लैक लिया कि डार्क कलर लिए कि इस पर ना मट्टी ना जो है पता ना चले। तो ये वाले जो हैं दो, ये भी 65 का, वो भी 65 का। तो ये हो गया और ये ख़त्म। अब तीसरा जो शॉपर, चौथा शॉपर जो है वो खोल रहे हैं। तो इसमें जी मैंने लिया है ये लाइफ बॉय का, ये 1000 ml वाला होता है रिफिलर, ठीक हो गया। उसके बाद एक मैंने ली है अपनी ये शॉवर जेल, मैं वैसे ना उसकी लेती होती लक्स की, लेकिन मैंने लक्स के ना सारे जो उसके फ्रेग्रेंसेस है ना वो सारी यूज़ कर चुकी हूँ। तो फिर मैंने हसीब को कहा कि कोई इस दफ़ा ना और लेती हूँ, तो फिर मैंने ये ली। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी, अगर आप लोगों में से किसी ने यूज़ की हो तो मुझे बताइएगा। शॉवर जेल बहुत अच्छी खुशबू है इसकी, और ये आई थिंक सो 240 की है, ठीक हो गया। और एक हसीब ने अपने लिए लिया है ये फॉग ग्रीन वाला, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और एक जी मैंने ली है ये बास्केट और वॉशरूम के लिए। अब आप सोच रहे होंगे वॉशरूम के लिए कैसे, तो इसमें कुछ मेरी ना वॉशरूम की जो स्लैब है उसमें उस पर चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो मैं इसके अंदर रखूँगी। और इसलिए मैं ब्राउन कलर की लाई हूँ, क्योंकि वॉशरूम के जो स्लैब है ना वो है ब्राउन कलर का। और ये मुझे मिली है 200 रुपीज़ की, तो जब सेट करूँगी तो लाजमी दिखाऊँगी आप लोगों को। तो जी ये है वो सारी चीज़ें जो कि हम लोग लाए हैं चेज वैल्यू से। तो आप लोग लाजमी मुझे बताएगा आप लोगों को हॉल कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा हो और आपको कुछ हेल्प हुई हो, तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे हसीब और इरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।